आज जिला पठानकोट की पुलिस ने नशे के केस में अलग अलग जगह से 3 लोगों से भारी मात्रा में नशे सहित काबू किया है। एक केस में पुलिस चौकी बमियाल में 2 लोगों को काबू किया है, जिनसे 2000 नशीले कैप्सूल बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि इन लोगों पर पहले भी मामले दर्ज है और एक आरोपी जेल काट कर आया हुआ है। दूसरे केस में ममून थाना में भी एक आरोपी पकड़ा है, जिससे 20 ग्राम हेरोइन पकड़ी गई है। ये सभी नशे के कारोबार करते हैं और सप्लाई भी करते हैं। बता दें कि ये आरोपी पहले पठानकोट में बतौर एक जज के रेडर को नशा बेच चुका है और वह रेडर पुलिस के हाथ भी लग चुका है, जिसे जेल भेज दिया गया है। आज SP रामनीश चौधरी ने पत्रकार वार्ता में कहा कि नशे को हर हाल में पठानकोट से खत्म किया जाएगा और उसके लिए हमारी पुलिस टीम ने समय समय पर कार्रवाई कर रही है। इसी के चलते आज इन आरोपियों को नशे सहित काबू किया है। वह इन पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पठानकोट पुलिस की लगातार नशों के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत SSP साहब श्री दीपक लोरी जी की गाइडलाइंस के तहत DSP सिटी श्री मिलाल साहब और DSP रूरल सुखविंदर सुलखन जी की अगुवाई में अलग अलग पर्चे दर्ज हुए हैं कल और आज में 3 पर्चे दर्ज हुए हैं। DSP रूरल की अगुवाई में SHO नरोज जयमल सिंह ने करीब 2000 के करीब कैप्सूल पकड़े हैं। कल चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल चालक से ये सारी चीज़ें मिली हैं। ये ऑलरेडी अक्यूज्ड जो है ऑलरेडी कन्विक्टेड है, ऑलरेडी इसको 10 साल की सज़ा भी हो चुकी है और आगे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। दूसरा केस DSP सिटी के इलाके में हुआ है, SHO ममून ने रिकवरी की है 20 ग्राम स्मैक की। सर कहाँ के रहने वाले हैं जो सारे पकड़े गए होंगे? जो नरोट जयमल सिंह वाले केस में है वो पीछे छन्नीबिली का है और नरोट थाने का एक अक्यूज नरोट थाने का है। पठानकोट से कैमरामैन अभिषेक भारद्वाज के साथ अजय सैनी की रिपोर्ट।